नीतीश जी के हिडन एजेंडा को मैं पहले ही भाप गया था, जिस प्रकार उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करके 17 सीटों का सौदा किया, तभी स्पष्ट हो गया था। भाजपा के बिहार नेतृत्व में भी नीतीश जी के समर्थक और उनके एजेंडा पर काम करने वाले लोग हैं, उनका उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इसी का परिणाम है कि आनंद फानन में अप्रत्याशित रूप से अक्टूबर महीना में ही बराबर बराबर सीटों पर लड़ने का ऐलान हो गया। हम और रालोसपा जैसे हमारे पुराने साथी को भी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने का काम नीतीश जी के ही नेतृत्व में हुआ। यह स्पष्ट है कि नीतीश जी भाजपा के सहयोग से पुनः बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बिहार भाजपा उनकी इस योजना में क्यों सहयोगी बना है। जब एक बार फिर भाजपा और जदयू साथ मिलकर सरकार बनाए, तब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण दोनों दलों की विधायकों की संख्या के आधार पर हुआ। तब दो सांसद वाले जदयू को 22 सांसदों वाली भाजपा के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किस प्रकार से हुआ? क्या हम यह नहीं जानते कि जदयू को यदि जन समर्थन बढ़ाना हो तो भाजपा के ही वोट बैंक में सेंधमारी करनी पड़ेगी? तुम अपने ही घर में सेंधमारी कराने में कब और कैसे और क्यों सहयोगी बन गए? क्या हमें पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही नीतीश जी अपने एजेंडा को एनडीए पर थोपेंगे? अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से नीतीश जी ने चुनाव काल के मध्य ही कभी धारा 370 तो कभी राम मंदिर तो कभी कॉमन सिविल कोड, अर्थात वे सभी संकल्प जो बीजेपी के घोषणा पत्र में है, उनका विरोध शुरू करा दिए थे। आज जबकि आधे दिन का समय बीता है तो नीतीश जी ने स्वयं अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्या बिहार भाजपा नेतृत्व से नीतीश जी के इन उद्गारों का खंडन संभव है? क्या अपेक्षा रखें कि बिहार भाजपा के नेतृत्व नीतीश जी को याद दिलाएंगे कि गठबंधन से पूर्व भी उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, धारा 370, 35A और इस प्रकार के राष्ट्रहित के कई संकल्प प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में कई वर्षों से दोहराता आ रहा है? यदि उन्हें पता था तो उन्हें गठबंधन के समय अथवा उसके तुरंत पश्चात अपने विचार स्पष्ट कर देने चाहिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में मोदी जी के नाम पर पड़ने वाले वोटों की फसल काटने के पश्चात ही अपने विचार व्यक्त करेंगे, ऐसा उन्होंने पहले से तय कर रखा था? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है अब तो। क्या इस योजना में भाजपा का बिहार नेतृत्व गुप्त रूप से सहयोगी है? ऐसे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रनीति राजनीति पर हावी रही, परंतु आज के पश्चात भाजपा बिहार की क्या रणनीति होगी? नीतीश जी के साथ कैसे संबंध भारतीय जनता पार्टी के हित में होंगे? क्या इस पर विचार करने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि 1.5 वर्षों के पश्चात ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उस समय राजनीति नहीं बल्कि राजनीति या शुद्ध राजनीति का समय होगा। नीतीश जी का फिर से मुख्यमंत्री बनना अथवा बनाने में सहयोग करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। तब क्या हम भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के अनुसार यह शर्त रखेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता होगा? और यदि ऐसा मानने को नीतीश जी राजी ना हो तब भी हम उनके साथ गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे? जबकि पता है कि उनके साथ हमारा संबंध दूध और पानी की तरह नहीं बल्कि तेल और पानी की तरह है, जिसमें नीतीश जी तेल की तरह ऊपर रहना पसंद करते हैं। नमस्कार।